तो जी ऑर्डर करवाया हमने फूलगोभी नान और मिक्स दाल और थोड़ी बहुत चटनी। मेरी दाल और सब्जी इतनी है अभी, ठीक है। दही को भी चट करके ऊपर पानी का गिलास पी के बंदा फ्री हो गया। तो गाइस सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा, मैं मेरा 1K सब्सक्राइबर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 900 होने ही वाला है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो गाइस बहुत देर के बाद बोल रहा हूँ, तो ऐसा मान लो पहली बार बोल रहा हूँ कि आपके हेल्प की ज़रूरत है। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो सब्सक्राइब करिए, हेल्प कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार दिखा दीजिए, जो समझना है वो समझिए, मगर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर अब ज़्यादा दूर नहीं। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा यार, जहाँ पे 900 हो गए तो अब 100 कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ी हेल्प करिए, थोड़ा जल्दी से जल्दी मेरा 1K हो जाए। तो चलिए गाइज करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग अगेन। तो गाइज मैं हूँ आजकल बनारस में और हम कर रहे हैं ट्रक व्लॉगिंग। हमने कल बनारस सिटी जो है पूरे एक्सप्लोर की है, और आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है हमने, फुल एंजॉय किया हुआ है, तो वो जाके देख लीजिए। 2 दिन हम मंडी में रहे थे, उसके बाद गाड़ी अनलोड हो गई है और अभी इस वक्त हम दूसरी जगह पे आए हैं, वहाँ मंडी से 2-3 किलोमीटर आगे, तो यहाँ पे गाड़ी लोड होगी, जाएगी पंजाब के लिए, तो पंजाब से फिर जाएगी कश्मीर। तो फिलहाल हम बनारस में ही हैं। चलिए गाइस करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा ब्लॉग शुरू। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, मेरे को पसीना आ रहा है। मेरे को याद है जब मैं घर पे था तो वहाँ पे तो आपको पता ही है बर्फ़ में बुरा हाल हो रहा था, और यहाँ पे गर्मियों में बुरा हाल हो रहा है। तो गाइस अपना व्लॉग मैं सुबह 10:30 बजे से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठा और पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। सबसे पहले तो गर्मी थी और ना यहाँ पर मच्छर बहुत हैं, मच्छर रात को, क्योंकि हम सिटी में थे और मंडी में थे, तो गाड़ी मंडी में रही थी, शीशे वीशे खुले थे, तो उस वजह से मच्छर वगैरह जो अंदर आ गए। मैंने गुड नाइट वगैरह भी जलाई, पूरी रात खुली रखी थी गुड नाइट, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मच्छर जो है ना, मच्छर यार मरे नहीं, तो पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 3:30 बजे सोया हूँ मैं, 3:30-4 बजे सोया हूँ भाई, और सुबह 9 बजे उठा। 9 बजे उठ के यहाँ पे आगे सामने वॉशरूम है बड़ा ठीक ठाक, तो वहाँ पे फ्रेश हो गया अच्छे से, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, तो अभी बैठे हैं यहाँ पर। और इजाज़ पता नहीं कहाँ चला गया है, तो आगे तक गया है वो, तो मैं बैठा हूँ अंदर ही। तो जी मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए और इजाज़ अभी आ रहा है। हाँ कहाँ गया था भाई? मैं गया था यार, पंचर था ना टायर का। अच्छा टायर पंचर वगैरह सेटिंग किया इसकी, तो उसको पैसे देने के लिए। अच्छा तो यार तेरे को 1 घंटा हो गया यार, जाना पड़ता है ना भाई। झूठ बोल रहा, सही बता, सही सही बता कहाँ गया था, झूठ नहीं बोल रहा। सही बोल रहा हूँ भाई, सही ना 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 सही जा गया। मिस्त्री ने इसको ये देख, ये नया प्लग लगाया है, तो गाड़ी मैंने खुद स्टार्ट करके देखी, बंद स्टार्ट भी की और बंद भी की, तो भाई गाड़ी ठीक है। किधर गया मिस्त्री? बिल्कुल मिस्त्री वो सामने है उधर, वो ब्लू शर्ट वाला, तो ये बोल रहा था भाई उस्ताद कहाँ है। और गाइस गाड़ी का ना ये प्लग थोड़ा फ्यूज़ हो गया था, क्या हो गया था भाई, जब इसको स्टार्ट करते थे ना तो स्टार्ट तो हो जाती थी, जब चाबी से बंद करते थे बंद नहीं होता था, तो इसको गियर में बंद करना पड़ता था। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है ऑलरेडी, तो इन्होंने ये चेंज किया है, और अभी मैंने स्टार्ट करके देखी गाड़ी और बिल्कुल ठीक है। तो जी हमारा एजाज भाई आधे 1 घंटे से फिर से गायब था, 1 घंटे के बाद आ रहा है बंदा, तो मैं बोल रहा हूँ भाई कहाँ पर है, बोलता नाई के पास गया था। किया नहीं इसने, पता नहीं किसके पास गया था। आधे बाल उधर ही रखे है, तो आधे बाल काटे हैं उसने। तो जी अपने घर वालों को बोल रहे हैं हैप्पी व्लॉग्स में से ये वीडियो देखे आपने, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शमन देखो ना असल असल सब्सक्राइब करो सायर नहीं, अब ये मेशना पाउन अकाउंट नंबर थो ना मैं दिस ओइत मोस मियोन ते वैसे इकोटे जाना पत पास है। हेलो इंटरनेशनल गंद। तो जी गाड़ी में बैठे हुए हैं हम और गर्मी इतनी है, कूलर लगा हुआ है, और एजाज जो है अपना हिसाब किताब जो है वो लिख रहा है, रास्ते में खर्चा खुर्चा क्या होता है क्या नहीं वो तो लिखना पड़ता है इसको। तो जी गाड़ी में गन्ना पड़ा हुआ था, तब तक यही खाते हैं, इसी को एंजॉय करते हैं भाई।
एजाज ने बिल्कुल अंडरशर्ट लगाई और घूम रहा बड़े मजे से। एजाज यार मौसम कैसा है? मौसम एकदम बढ़िया, मुझे लग रहा है कम से कम 55 डिग्री टेम्परेचर। 55 डिग्री है ना? और अपने घर में कश्मीर में उधर कम से कम -8 डिग्री होगा मेरे गांव। माइनस रात को -3-4 या 2-3 डिग्री तो होता ही होता है। दिन में कोई 10-15 डिग्री होता है, है ना? बस एक काम कर, तू ऊपर कुछ लगा ले, आगे तक चलते हैं। नहीं मैं आगे हिंदी भी जानता है, देख लो। तो गाइस हम थोड़ा आगे तक आए थे और टाइम हो रहा है 1, तो भूख लग रही है। इधर पीछे ढाबा है, तो विशाल ढाबा, इतना विशाल भी नहीं है ये जितना लिखा हुआ है। तो इधर चलते हैं और मुझे लगता है खाना यहाँ ही खा लेते हैं। तो जी ऑर्डर करवाया हमने फूलगोभी, नान और मिक्स दाल और थोड़ी बहुत चटनी है, ठीक है? तो करते हैं। दही यार कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ये मलाई है शायद, इसमें मलाई है, मलाई है ये। भाई बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खाई है मेरे से अभी तक, और मेरी दाल और सब्जी इतनी है अभी, ठीक है? और बंदा यार पूरा पूरा अपना कंप्लीट करके 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट हो गया यार। ये देखो मेरी सही में बोल रहा हूँ, ये 3री रोटी है अभी तक। यार ये मशीन है क्या? ये मशीन नहीं है। फिर मेरे अंदर आत्मा है ना, अगर आवरण डोज वो रानीपुरा के पीछे पड़ता है सुकून के पास, जो शायद बबू सुकून के पास आवरण डोज वहाँ का भूत है इसको। भाई साहब दही को भी चट कर गए, ऊपर पानी का गिलास पी गए, बंदा फ्री हो गया। मेरा यार मैंने कितना बीतरी सारा पड़ा हुआ। तो भाई मैं खाऊंगा आराम से, ठीक है? आप आराम से। तो जी खाना हो गया और खाना टेस्टी था भाई, सब्जी दाल दही वगैरह चटनी चाहिए वो तंदूरी रोटी, तो खाना बड़ा ज़बरदस्त था। गाड़ी में आ गए हैं हम और एजाज को लोड मिल गया है, वो अभी जा रहे हैं, एजाज भाई जा रहा है अभी लोड करने के लिए। तो जी ट्राले का स्वागत हो रहा है भाई, देख लो भाई ट्राला लेके आ रहे हैं इधर से। तो जी यहाँ पे आपको खाली लोहा मिल जाएगा, तो लोहा लोड हो रहा है इसका। ये अपनी गाड़ी है और ये भी कश्मीरी गाड़ी है। तो बता दूं ये जाएगा हरियाणा, करनाल, करनाल हरियाणा। तो जी मज़ा जो है ना वो अंदर ही है, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ना यहाँ पे गर्दा बहुत ज़्यादा है, तो बेटर होगा अंदर ही बैठे और आराम से गाड़ी वाड़ी लोड हो जाएगी फिर निकलेंगे। तो गाइस आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ और ना इनका तमाशा देख रहा हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। यार अभी तो मौसम ठीक है, फिर भी गर्मी है, मगर फिर भी काम चलाऊ है। तो गर्मियों में जून जुलाई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यार ये देखो पूरा लोहा ही लोहा है, गर्मियों में पूरा गर्म होता होगा ये। तो यार इतनी मजदूरी इतने गर्मी में कैसे करते होंगे यार ये। यार इनका ही दम है, पानी पीते जा रहे हैं, सिर पे पानी डाल रहे हैं और धो रहे हैं। तो जी गाड़ी हमारी हो गई लोड अल्हम्दुलिल्लाह, और देखो हम फिर से यहाँ पे। गाइस आपको बोल दूँ क्या, यहाँ पर ना इधर राइट साइड में शादी है तो इनको जगह नहीं थी, इस वजह से गाड़ी बीच से लानी पड़ी, ठीक है? ये जी कोयला बाजार है यहाँ पर। लोहा लोड किया है, ये पंजाब जाएगा और पंजाब से फिर कुछ लोड करके सीधा कश्मीर। तो मेरे को लगता है गाइस अंधेरा भी हो रहा है, आज का व्लॉग हम यहाँ तक रखते हैं, तो सपोर्ट करिएगा, जरूर सपोर्ट करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, दीजिए इजाजत आज के व्लॉग में। टिल देन बाय, लव यू गाइस।